करतारपुर साहिब के लांघे के मामले में भारत सरकार ने पाकिस्तानी सरकार को एक ड्राफ्ट प्लान भेजा है, जिस विच श्रद्धालुओं की सहूलत आने जाने के समय और होर कायदा कानूनों तय करने संबंधी लिखा गया है। इस बारे जानकारी साझी करते हैं दिल्ली के विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि भारत सरकार ने करतारपुर के लांघे बाबत चंगी पहलकदमी की है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वालों ये पहलकदमी की गई करतारपुर कोरीडोर लांघा जोड़ा है वो वास्ते एक ड्राफ्ट प्लान बना के पाकिस्तान की सरकार को भेजा गया और उन्होंने निमंत्रण दिता गया तो बैठते चर्चा की जाए क्या सारा प्रोटोकॉल्स होंगे, क्या टाइमिंग्स होनगियाँ, क्या वीज़ा पासपोर्ट के उत्ते स्टैंपिंग ना अंदर लोग जाएंगे, स्पैशल परमिट दिता जाए और किस तरह ककारा की भी जी सामभ रहे उन्होंने उत्ते कोई प्रॉब्लम ना आए और खास तौर पर क्योंकि जो उ श्रद्धालु जाने ने किन्ने घंटे उत्तर ज़्यादा तो ज़्यादा रह सकन और उन्होंने सेफ्टी और सिक्योरिटी की चिंता भी भारत की सरकार ने की है। सो इन्ह सारिया चिंता करते हुए भारत सरकार ने पाकिस्तान की सरकार ने एक लिखती तौर पर डॉक्यूमेंट भेजा है जिद अंदर सारिया विचार करूँगी और बैठक करके इन्ह सारिया विचार का एक मूल रूप से एक डॉक्यूमेंट बनाने की गल की गई आ जिहड़ा सारिया चीज़ों तय करेगा करतारपुर लांघे के लोग जो दर्शन कर जाएंगे उन्होंने सारे प्रोटोकॉल्स में डॉक्यूमेंट तय करेगा। सो मैं वेलकम करता है ये भारत सरकार वालों जी पहलकदमी की गई, उम्मीद आ पाकिस्तान भी जल्दी ही हुण इस उत्ते जवाबदेही कर जवाब देगा और फिर जल्दी ही लांघा जिहड़ा है ये शुरू होएगा और संगतां जिहड़ियां बहुत सालों तो इंतजार अंदर ने वो गुरु साहब के दर्शन कर सकेंगे।